इस साल सोनम कपूर और अक्षय कुमार को पहला नेशनल अवार्ड मिला, पर हम यहाँ इस बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ बात होगी उस फिल्म की जिसे अगले साल के राष्ट्रीय पुरस्कार का हकदार माना जा रहा है। वेल, इस साल के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में जिस फिल्म की तारीफ करते लोग नहीं थक रहे थे वो है बाहुबली टू द कंक्लूजन। वेल, एस एस राजमौली की ये मैग्नम ओपस इस अवार्ड सेरेमनी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रही और ये होना लाजमी भी था। आखिर बाहुबली 2 ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से इतिहास जो रच डाला है। जिस तरह नेशनल अवार्ड सेरेमनी में बाहुबली 2 की चर्चा हो रही थी, इसे देखकर तो यही लगता है कि अगले साल के नेशनल अवार्ड पर सिर्फ और सिर्फ बाहुबली 2 द कंक्लूजन का ही हक है। तो दोस्तों, आप किस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें।